आईटेन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल बाजार किस प्रकार से काम करेगा, यानी फ्राइडे के दिन किस प्रकार से काम कर सकता है, क्या गिरेगा या नहीं गिरेगा, पूरी जानकारी वीडियो के लेंगे। लेकिन आपसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। और एक और बात है कि फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग का कोर्स शुरू किया है जो हमारे चैनल पर आ गया है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप देख सकते हो काफी लर्निंग के वीडियो हैं इसमें। तो यहाँ पे जो हम डेली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक स्लाइड है वो देख लो आप एक बार, जिसमें निफ्टी के और बैंक निफ्टी के पूरे वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो यहां पे मैंने दिखा दी है। अब चलते हैं यहां पे निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे कल काफ़ी अच्छी तेजी बना करके गया था और आज हो रहा था कि कल इसके मतलब यहाँ पे आज तेजी बन सकती है, कल ऐसे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने कल कहा था कि यहाँ पे अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई को निकालेगा, ग्रीन कैंडल का हाई था 17467 के करीबन, तो 17475 के हाई को निकालेगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनती और वो तेजी यहाँ पे यहाँ तक लेके आती इसको 17525 से 17550 के बीच में। तो लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं और ये सीधा का सीधा यहीं पे आ गया। अब लोगों को क्या हुआ कि ये एक्सपायरी की वजह से हुआ है और लोगों को क्या लगेगा कि ये कैंडल बन गई रेड और अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि कल वापस ये रिकवर करेगा। और अगर कल रिकवर नहीं करता है, और आज का जो लो है यहाँ पे आप देखिए, अगर आज का लो है यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ, तो आज का जो लो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला 17306, तो 17300 के नीचे जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा नीचे की साइड में और ये ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अभी क्या है ना सपोर्ट जोन है, तो इसके पास में भी आता है तो यहाँ पे बाई नहीं करना है। तो अब मान लीजिए कि जो ये जोन है मान लो 17300, अब इस 17300 को नीचे ब्रेक करता है यहाँ पे, कोई कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये इस स्विंग की और 17300 वाली रेंज में ओपन हो और फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके और फिर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि ये नीचे की साइड में इस जो ये वाला लो है तो इस लो को टेस्ट करने के लिए आ जाए जो 17250 के करीबन बना हुआ है, जो 17250 के अंदर बना हुआ है इस लो के पास में आ सकता है ये। अब अगर मान लीजिए इस लो को भी ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है, जिसकी हमने बात की थी कि 17175 के करीबन, जो ये हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ पे 17175 के करीबन, इस तक भी आ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे क्या लग रहे हैं कि ये कल ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर की तरफ में इसका रुख कब होगा, जब ये इस रेंज के पास में ओपन हो, जो कि हमने बताई है कि ये वाला जो रेंज बनी हुई है 17350 से लेकर के 17300, इसमें ओपन हो और फिर ये ऊपर के साइड में निकलना शुरू करता है, और ऊपर के साइड में भी ये वाला जो हाई है यहाँ पे, ये वाला स्विंग बना हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सेल किया ना यहाँ पे, तो इन लोगों की नीचे की साइड में प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहीं स्टॉप लॉस होगा, तो इस स्टॉप लॉस को कटेगा ना ये स्टॉप लॉस, तो वो लोग भी बाई साइड में आ जाएंगे और जो ऑलरेडी मतलब जिनका पैसा फ्री है वो भी बाई में आएंगे। तो ये जोन है यहाँ पे आप देख लीजिएगा 17400, इस 17400 के ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर ऊपर की साइड में मूवमेंट शुरू होगा, जो कि इसको मार्केट को फिर से अपने जो पहले का स्विंग है यहाँ पे 17465 के करीबन यहाँ तक लेके जाएगा, और फिर इसके ऊपर जाने के बाद में ये वापस अपने ये वाला जो हाई है 17525 तो इसके पास में भी आ सकता है। मैं वापस डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, देखो तो यहाँ पे हम फिर से इसके डेली चार्ट पे आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब इसकी जो बड़ी मूवमेंट है वो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर निकलने पे ही बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल का 17475 के करीबन का आप ये स्विंग मान सकते हो, इसके ऊपर ये इसके अंदर वापस ऊपर की साइड में शुरू हो जाएगा ये। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की साइड में गया था और आज एक्सपायरी की वजह से ये नीचे आ गया है, और ये हो सकता है कि अब लोगों को लगेगा कि ये वापस नीचे आ सकता है, तो हो सकता है आ जाए वापस, क्योंकि अगर इसका लो हो जाए, आज का लो है मान लीजिए 40312, तो 40300 के नीचे आता है तो इसके अंदर नीचे की मूवमेंट होगी, लेकिन ये ऊपर के साइड में अगर ये जो ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर वापस जाना शुरू करेगा तो ऊपर जा सकता है। अब 15 मिनट पे चल के देखते हैं कि ये किस प्रकार इंट्राडे में काम करेगा कल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देखिए इसके सपोर्ट के पास में खड़ा हो गया ये आके, और इसके पास में भी है, और हमने कल भी बात की थी कि ये यहाँ पे क्लोज था, और हमने कल बात की थी कि ये जो स्विंग बना हुआ है इसके नीचे आता है ये, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक जो हमने बात की थी कि ये वाला जो यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये वाले छोटे छोटे स्विंग्स बने हुए हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये स्विंग्स बने हुए हैं यहाँ तक ये आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है, और अब ये हो सकता है कि क्योंकि इसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो यहाँ पे स्विंग बने हुए इसका भी सपोर्ट मिल गया, तो अब लोगों को तो ये लगेगा कि ये नीचे आ सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि नीचे आ जाए। अब ये कब नीचे आएगा देखो, तो नीचे आने का चांसेस तो इसके तब बनेंगे कि जब ये यहाँ पे ही कहीं ओपन हो, ये जो रेंज बनी हुई है इसमें ही ओपन हो, और फिर यहीं पे 10-15 मिनट गुजारने के बाद में या तो नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो फिर ये जो ये लो बने हुए हैं यहाँ पे, ये लो बने हुए हैं,
आपको मैं लेवल्स भी बता देता हूँ कि ये वाला जो लो है 40,000 के करीबन है, तो 40,000 के करीबन भी आ सकता है। तो कौन से लेवल को, 40,300 को ब्रेक करता है तो 40,000 के करीबन आ सकता है। और अगर मान लीजिए अब ये ऊपर के साइड में बात करूं मैं, तो यहीं से सपोर्ट लेगा ये, और मान लीजिए कि ये इसी रेंज में ओपन हो, यहाँ पे 40,500 से लेकर के 40,300 के बीच में ये ओपन हो, और फिर मान लीजिए कि ये ऊपर के साइड में निकलता है, तो ये ऊपर वापस जा सकता है। जो इसका हाई है 40,750, और आज का जो हाई है मान लीजिए 40,775, जो हमने रेजिस्टेंस की भी बात की थी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये हमने मार्क किया था पूरा का पूरा, यहाँ से ये जो ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं, ये वाले स्विंग्स, और इस स्विंग्स के पास में ये आके गया है। अब इस लेवल को 40,775 को निकालने के बाद में जो ये वाला स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला छोटा वाला, ये वाला स्विंग इसके पास में होगा कि जो 40,925 के करीबन तक लेके जा सकता है इसको। तो ज़्यादातर मुझे तो चांसेस ये लग रहे हैं कि कल ये ऊपर जाए, और ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि ये सीधा का सीधा चला जाएगा, क्योंकि जाते हुए फिर साइड से हो सकता है कि ये जैसे यहाँ से निकलना शुरू करे, तो फिर ये जोन है 40,750 से 40,775, इस जोन में रेजिस्टेंस ले, और इस जोन में रेजिस्टेंस लेने के बाद में जो ये लाइन है, ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको मार्क भी करूँ, मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं मार्क भी करता हूँ यहाँ से यहाँ कहीं तक, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये यहाँ तक जाकर के रुक जाएगा, जो कि ये रेंज है 40,700 से लेकर 40,775। अब इस रेंज में फिर ये मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर टाइम गुजारता है या फिर कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं बनाता है और फिर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आएगी ऊपर के साइड में। तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जाने की जर्नी मैंने बताई है कि 40,925 के करीबन तक इसका टारगेट होगा। तो ये कल मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि ऊपर जाना चाहिए। अब जो मैंने ये एनालिसिस की वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, और ऐसी बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।